केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सीएसआर के फंड फर्जी कंपनी के जरिए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि सीएसआर के जरिए अधिक से अधिक धन दें, जिससे केदारनाथ में बेहतर निर्माण कार्य हो सके। केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने केदारनाथ निर्माण कार्य के लिए ट्रस्ट बनाने की बात कही, लेकिन इसका विपक्ष द्वारा विरोध किया गया है, क्योंकि केदार बद्री समिति पहले से काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने निराधार बताया है। लाजमी सवाल है, पिछले विधानसभा में जब केदारनाथ और केदारनाथ के आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सरकार ने ये कहा था कि हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं, तो हम उसमें नियम 58 में लाए थे कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ समिति जो 1939 का एक विधानसभा से बना हुआ एक एक्ट है, उसके होते हुए आप क्यों ला रहे हैं, क्या जरूरत है, तो सरकार ने ये जवाब दिया था कि सीएसआर का पैसा इसके जरिए आएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि सरकार ये खुलासा करे कि मोदी जी की अपील के बाद सीएसआर का कितना पैसा इस ट्रस्ट में आया, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये पैसा किसके द्वारा खर्च किया जा रहा है। अपना ध्यान केंद्रित है, जो एनजीओ काम कर रहे हैं वो हैं, जिनके माध्यम से हो रहा है, नीम अरण्य निर्माण एजेंसी वो हैं। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि चूंकि इसमें कोई इस तरह का नहीं है कि हमने इस काम को कोई किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट में है या कोई व्यक्ति इंटरेस्ट लेके कर रहा है, सारा काम एकदम जिस रूप में होना चाहिए था हो रहा है, और कांग्रेस को तो इस चीज के बात करने का अधिकार ही नहीं है।